आज ना मैं आपके साथ बहुत ही यम्मी ऑरेंज जैम की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये रेसिपी हर कोई बहुत आसान तरीके से घर पे बना सकते हैं। अभी तो ऑरेंजेस का सीज़न है, आप बहुत सारे ऑरेंजेस लाके इस रेसिपी को बना के बहुत लंबे समय तक स्टोर करके बच्चों को दे सकते हो। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले रखा है 6 मीडियम साइज़ ऑरेंज। उसे हमें इसी तरह छिलके को हटा देना है, पील ऑफ कर देना है। इसके ऊपर जो वाइट वाला पार्ट रहता है ना, उसे भी पूरी तरह हमें निकाल देना है। यहाँ पे पूरे 6 ऑरेंजेस को मैंने इसी तरह पील ऑफ करके रखा है। अब यहाँ पे मैं इसी तरह चाकू की मदद से बीच से कट करते हुए इसमें जो सीड्स होते हैं ना, बीज, उसको हटा देना है। ये किसी काम के नहीं है, ये जाम में आ जाएंगे तो जाम जो है वो कड़वा हो जाएगा। यहाँ पे सभी ऑरेंजेस को मैंने छील के इसमें के बीज जो है उसको हटा दिया है। अब इसमें से मैं आधा ऑरेंज के छिलके को ले रही हूँ। छिलके को अब हमें करना क्या है, इसके अंदर जो ऑरेंज के अंदर है वो छिलके में जो वाइट वाला पार्ट होता है ना, उसे हटा देना है। इसमें क्या है, इसमें कड़वा टेस्ट बहुत ही ज़्यादा रहता है वो वाइट वाले पार्ट में, उसे मैं पूरी तरह निकाल दिया है। देखिए इसी तरह हमें निकाल देना है। अब हमें एकदम पतली पतली स्लाइसेस की तरह इसी तरह कट कर देना है। बहुत ज़्यादा नहीं, आधा ऑरेंज का पील ही काफ़ी है जितना मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने ब्लेंडर जार ले रखा है, जो ऑरेंजेस को हमने पहले पील ऑफ करके रखा था ना, सीड्स हटा के ऑरेंजेस को अच्छे से पीसना है। ऑरेंज के ऊपर जो कवर रहता है ना, यानी कि पल्प के ऊपर पतला सा कवर, उसे नहीं हटाना है। वो जो है हमें पैक्टिन की तरह काम करेगा। यहाँ पे ऑरेंजेस का जूस जो है उसको मैंने नापा तो आधा किलो है वेट में। आधा किलो चीनी को हमें इसी में ऐड कर देना है। इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला देना है, चीनी जो है जूस में अच्छे से घुल जाना है। पूरी तरह मिक्स होने के बाद मैंने यहाँ पे फ्लेम को ऑन कर दिया है। पहले 10 मिनट हमें हाई फ्लेम पे ही पकाना है ताकि ये जैम जो है जल्दी से गाढ़ा हो जाए। यहाँ पे हल्का सा गाढ़ा हो गया। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 इंच का सिनेमन यानी कि दालचीनी। जो ऑरेंज के छिलके को हमने काट के रखा था ना, उसे भी ऐड किया है। थोड़ा सा ऑरेंज रेड फूड कलर को मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है, कलर डालने से क्या है देखने में बहुत ही बढ़िया लगेगा जैम। अच्छे से चम्मच चलाते हुए हमें इसको अच्छे से पकाना है। 15 से 20 मिनट लगते हैं जैम बनने में। देखिए देखते ही देखते इसका कलर जो है अच्छा सा थिक हो गया है, ऑरेंज कलर आ गया है। फ्लेम को एकदम लो कर देते, वंस ये थिक होने के बाद फ्लेम को लो कर देना है, वरना ये तले से दाग लगेगा। देखिए इसका क्वांटिटी कम होते जा रहा है और गाढ़ापन जो है बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे जैम जो है वो अच्छे से बन गया है। अब हमें चेक करके देखना है। चेक करने का प्रोसेस जो है, आप एक प्लेट पे डाल के प्लेट क्रॉस करेंगे तो जैम जो है इसी तरह जम जाना है, यानी कि वो इधर उधर भागना नहीं है जैम को, इसी तरह सेट हो गया तो आपका जैम जो है वो बन के रेडी हो गया है। मैं यहाँ पे जैम को एक एयरटाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। पूरी तरह रूम टेम्परेचर आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे ना, जैम जो है वो पूरी तरह सेट हो गया है। इसमें ना तो हमने किसी एसेंस को ऐड किया है, एकदम होममेड है, एकदम नेचुरल है। बच्चों को तो ये बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है और ये बहुत ही मज़े की बनती है। हर कोई ये बहुत आसानी से बना के स्टोर कर सकते हो। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आप इसे पराठों के साथ, ब्रेड के साथ, बच्चों के टिफ़िन में भी पैक करके दे सकते हो। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।